नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचि शर्मा। बिटकॉइन के नेतृत्व में लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट ने पिछले 24 घंटों में पॉजिटिव मोमेंटम गेन किया है, जो $30,000 का मार्क रिक्लेम करने में कामयाब रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ने $29,500 के सपोर्ट लेवल को डिफेंड किया। हालांकि कैटलिस्ट की कमी ने इसे अपनी रेंज से बाहर निकलने से रोक दिया है। BTC हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.48% की बढ़त के साथ $29,969.86 पर ट्रेड कर रहा था। कई स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइलिंग के बाद 5 हफ्ते से अधिक समय तक बढ़ोतरी के बाद बिटकॉइन को लंबे समय तक $30,000 से $31,000 की रेंज में से बचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो ईथर हाल ही में 0.92% की बढ़त के साथ $1,882.77 पर ट्रेड कर रहा था। कई एनालिस्ट को उम्मीद है कि रेंज जल्द ही टूट जाएगी, लेकिन ब्रेकआउट के डायरेक्शन पर कोई कंसेंसस नहीं है। अगर कीमत रेंज से नीचे आती है तो एनालिस्ट को एक महत्वपूर्ण गिरावट की उम्मीद है। कुछ लोग $20,000 के करीब गिरावट का भी अनुमान लगा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1% बढ़कर $1.2 trillion हो गई। टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 3.02% बढ़कर $23.32 billion हो गई। डीफाई की टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.25 billion है और सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम $20.09 billion है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स की मात्रा का क्रमश 9.65% और 86.15% का प्रतिनिधित्व करती है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 48.60% पर अनचेंज्ड है। IC15 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 1.21% बढ़कर 39,721 हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर फेडरल रिजर्व की 25th और 26th जुलाई की मीटिंग पर नजर रखने के लिए इम्पोर्टेंट इवेंट है। फेड वॉच टूल बैठक में 25 बेसिस पॉइंट्स रेट की 99.2% संभावना दिखाता है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कीमत में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि फेड द्वारा कोई भी आश्चर्यजनक कदम कीमत को रेंज से बाहर कर सकता है। स्टेबल कॉइन सेक्टर में जुलाई में गिरावट जारी रही, जो 0.82% गिरकर $127 बिलियन हो गई, जो अगस्त 2021 के बाद से 16वीं मासिक गिरावट के साथ सबसे निचले स्तर पर है। CC डेटा के लेटेस्ट स्टेबल कॉइन्स और CBDC रिपोर्ट के अनुसार USDT इस महीने डोमिनेंट स्टेबल कॉइन बनी रही 83.8 बिलियन डॉलर्स के नए ऑल टाइम हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, जो स्टेबल कॉइन सेक्टर का 65.9% है। इसके विपरीत USDC और BUSD क्रमश 3.01% और 4.57% गिरकर $26.9 बिलियन और $3.96 बिलियन हो गए। USDC ने लगातार 7वीं मासिक गिरावट का अनुभव किया, जो जून 2021 के बाद से अपने सबसे निचले मार्केट कैपिटलाइजेशन पर पहुंच गया। स्टेबल कॉइन मार्केट का डोमिनेंस 10.5% से गिरकर 10.3% हो गया। हालांकि अमेरिका में ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और इन्वेस्टको लिस्टिंग स्पॉट बिटकॉइन ETFs जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस जॉयंट्स की बदौलत जून में स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम 16.6% बढ़कर $482 बिलियन हो गई। फाइलिंग ने इन्वेस्टर्स के ऑप्टिमिज्म को बढ़ावा दिया, जिससे स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम 10.4% बढ़कर $125 बिलियन हो गई। फियाट ट्रेडिंग पेयर्स में भी 10.4% की वृद्धि देखी गई, लेकिन स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग पेयर्स के मुकाबले उनका मार्केट शेयर अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गया है। SEC और रिपल के बीच कानूनी लड़ाई में XRP टोकन के फेवर में एक लैंडमार्क रूलिंग के साथ स्टेबल कॉइन सेक्टर की गिरावट क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती कीमतों के साथ आती है। L1 चेन को सुरक्षित करने के लिए इथेरियम वैलिडेटर्स ने ETH 2.0 कॉन्ट्रैक्ट में $52.3 बिलियन डिपॉजिट किए हैं। ऑन चेन डेटा प्रोवाइडर इनटू द ब्लॉक के अनुसार ये अब तक की हाईएस्ट वैल्यू है। इथेरियम POS नेटवर्क पर वैलिडेटर्स को वैलिडेटर्स बनाने के लिए ETH 2.0 कॉन्ट्रैक्ट में 32 ETH डिपॉजिट करना होगा। ग्लासनोड डेटा के अनुसार लेखन के समय नेटवर्क चलाने वाले वैलिडेटर्स द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट किए गए ETH के टोटल नंबर 27.05 मिलियन ETH थे। ग्लासनोड डेटा के अनुसार 13 अप्रैल को मिस्ड ब्लॉक काउंट 658 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ वैलिडेटर्स ने जानबूझकर शंघाई अपग्रेड के दौरान और उसके एक दिन बाद अपग्रेड के इंपैक्ट के प्रॉपर असेसमेंट के लिए अपने नोट्स को ऑफलाइन कर दिया। अप्रैल के बाद से मिस ब्लॉक काउंट में 94% की गिरावट आई है। 21 जुलाई को सिर्फ 42 मिस ब्लॉक्स दर्ज किए गए। ऑप्टिमल POS नेटवर्क परफॉर्मेंस सुनिश्चित करने के लिए वैलिडेटर्स का हाई पार्टिसिपेशन महत्वपूर्ण है। ग्लासनोड का कहना है कि हाई पार्टिसिपेशन रेट, रिलायबल नोड अपटाइम, कम मिस ब्लॉक्स और सुपीरियर ब्लॉक स्पेस एफिशिएंसी को इंगित करता है।
12 मई को वैलिडेटर्स पार्टिसिपेशन गिरकर 96% हो गई, लेकिन तब से 99% पर अपनी स्थिति फिर से हासिल कर ली है, जो दर्शाता है कि लगभग सभी नेटवर्क वैलिडेटर्स ब्लॉक प्रोडक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बिटकॉइन माइनर्स को 2023 में एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में अस्थिरता और अनिश्चितता का अनुभव होगा। 2023 की दूसरी तिमाही में बिटकॉइन माइनिंग इंडस्ट्री ने ट्रांजैक्शन फीस में $184 मिलियन की आश्चर्यजनक कमाई की। इस वृद्धि का श्रेय बिटकॉइन की कीमत में सुधार और BRC20 टोकन में बढ़ती रुचि को दिया गया। इस रेवेन्यू बूस्ट के बावजूद प्रोमिनेंट माइनिंग फर्म्स के स्टॉक्स ने बिटकॉइन के मार्केट वैल्यू के वाइड मार्जिन से बेहतर प्रदर्शन किया। साल की शुरुआत से उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में 257% की वृद्धि हुई। बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी में रीसेंट ऑल टाइम हाई ने एक स्वस्थ नेटवर्क का संकेत दिया है, जिसमें नए अधिक एफिशिएंट माइनिंग इक्विपमेंट मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे माइनर्स को लाभदायक बने रहने के लिए अपने फ्लीट्स को अपडेट करने की आवश्यकता हुई है। मार्केट की चुनौतियों के बावजूद उद्योग पार्टिसिपेंट्स द्वारा मशीनों की कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और बढ़ते हैश रेट बिटकॉइन की फ्यूचर्स प्राइस अप्रिसिएशन के बारे में उनके ऑप्टिमिज्म का संकेत देता है। एंकराज डिजिटल एक अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म जो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रदान करता है, क्रिप्टो सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में उल्लेखनीय वृद्धि देख रहा है। एंकराज डिजिटल के को-फाउंडर और प्रेसिडेंट डियागो मोनिका ने द ब्लॉक के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि करंट बेयर मार्केट के बावजूद कंपनी की एसेट्स 2023 की पहली तिमाही में 80% बढ़ गई। ये उछाल क्रिप्टोकरेंसी के लिए बढ़ती इंस्टीट्यूशनल एपेटाइट को दर्शाता है। एंकराज डिजिटल अमेरिका का एकमात्र फेडरली चार्टर्ड क्रिप्टो बैंक इथेरियम स्टेकिंग जैसी यूनिक रेगुलेटरी सर्विसेज प्रदान करता है, जो अपनी रेगुलेटरी सर्टनिटी के कारण डिपॉजिटर से बढ़ी हुई रुचि को आकर्षित करता है। मोनिका ने विशेष रूप से अमेरिका में क्रिप्टो इंडस्ट्री के सामने आने वाले रेगुलेटरी चैलेंजेस को स्वीकार किया। वह हायर स्क्रूटनी प्रदान करने और आर्बिट्री डिसीजंस को कम करने के लिए फेडरल लेवल रेगुलेशन की वकालत करते हैं। अमेरिका में अस्पष्टता कंपनियों को विदेशों में अवसर तलाशने के लिए प्रेरित करती है, जबकि यूरोप और सिंगापुर प्रोएक्टिव अप्रोचेस प्रदर्शित कर रहे हैं। यूरोप के मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन US रेगुलेशंस की तुलना में अधिक स्पष्टता प्रदान करता है, जबकि सिंगापुर की कठोर और डिमांडिंग रिजीम की संपूर्णता के लिए प्रशंसा की जाती है। हाल ही में क्रिप्टो वेंटेज पोल के अनुसार लगभग 70% अमेरिकन्स का मानना है कि बिटकॉइन अगले 5 वर्षों में $69,000 के अपने सर्वकालीन उच्च स्तर पर वापस आ जाएगा। सर्वे में सिर्फ उन नागरिकों का पोल किया गया जिन्होंने पहले क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेड किया था, जिसका लक्ष्य क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की ओर ले जाने वाले फैक्टर्स का विश्लेषण करना था। आश्चर्यजनक रूप से लगभग 23% उत्साही लोगों का मानना था कि किंग कॉइन 2023 में ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाएगा। हालांकि ऑप्टिमिज्म उल्लेखनीय था, लेकिन मार्केट की मोमेंटम को देखते हुए यह असंभव लग रहा था। हालांकि रिस्पोंडेंट्स ने केवल बिटकॉइन पर बड़ा दाव नहीं लगाया। इथेरियम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा कॉइन अगले बुल रन में BTC को पार करने की सबसे अच्छी संभावना के साथ क्रिप्टो के रूप में चुना गया था। पोल में शामिल 46% लोग सहमत थे। सर्वे से पता चलता है कि 3 में से 2 रिस्पोंडेंट्स का मानना है कि सप्लाई और डिमांड क्रिप्टो प्राइस मूवमेंट्स को प्रभावित करने वाले प्राइमरी फैक्टर्स हैं। अपकमिंग BTC हार्विंग इवेंट को देखते हुए इसका महत्व है, जो 1 साल से भी कम समय दूर है। चाइनीज क्रिप्टो जर्नलिस्ट वू ब्लॉकचेन के एक ट्वीट के अनुसार डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म मल्टी चेन के फाउंडर जाओ जुन ने क्रिप्टो एसेट्स में $100 मिलियन से अधिक को एक नए एड्रेस पर मूव कर दिया है। वो ब्लॉकचेन के अनुसार आज जाओ जून द्वारा कंट्रोल्ड EOA एड्रेस ने एक और फंड ट्रांसफर किया। हॉबी से 299.3 FTM की ट्रांजैक्शन फीस वापस लेने के बाद 64 मिलियन USDT, 13,000 WETH, 11.9 मिलियन DAI और 52 BTC को नए वॉलेट एड्रेस पर ट्रांसफर कर दिया गया। विचाराधीन इथेरियम का मूल्य लगभग $24 मिलियन है और ट्रांसफर BTC का मूल्य लगभग $1.5 मिलियन है। 14 जुलाई 2023 को मल्टी चेन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें कहा गया कि जाओ जून की बहन ने अबनॉर्मल सिचुएशन की खोज के बाद 9 जुलाई 2023 को बचे हुए यूजर एसेट्स को पूल में ट्रांसफर कर दिया। माना जाता है कि सबसे हालिया फंड ट्रांसफर जाओ जून की बहन द्वारा किया गया था, जिसके पास उसके क्रिप्टोकरेंसी अकाउंट्स तक एक्सेस है। नाइजीरियन सोशल पेमेंट ऐप बंडल ने हाल ही में अपनी क्रिप्टो एक्सचेंज सर्विसेज को बंद करने की घोषणा की है। स्ट्रेटेजिक
रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट के हिस्से के रूप में बंडल ने अपना ध्यान कैश लिंक पेमेंट सॉल्यूशन पर शिफ्ट कर दिया है। ये कदम वेब 3 और ब्लॉकचेन कम्युनिटीज की वृद्धि से प्रेरित था। बंडल के शेयर होल्डर्स ने इकोसिस्टम की उभरती जरूरतों के अनुकूल होना और मौजूदा रुझानों के अनुरूप पेमेंट सॉल्यूशन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक समझा। टेथर को छोड़कर यूजर्स अब प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, एसेट्स डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे या वॉलेट के भीतर एसेट स्वैप्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। बंडल यूजर्स कैश लिंक का उपयोग करके एसेट्स विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कि उनके वॉलेट में नाइजीरिया नायरा या अन्य फियाट क्रिप्टो करेंसी ना हो। कंपनी ने विड्रॉल्स के लिए 12 सितंबर 2023 की डेडलाइन तय की है। स्मूथ विड्रॉल्स की सुविधा के लिए बंडल ने नाइजीरिया, घाना, कीनिया और अन्य फ्रैंकोफोन स्पीकिंग कंट्रीज में यूजर्स के लिए विशिष्ट कदमों की रूपरेखा तैयार की है। यूजर्स पसंदीदा एक्सचेंजेस में फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। नाइजीरियन यूजर्स के पास P2P एक्सप्रेस के माध्यम से कैश लिंक या बैंक ट्रांसफर का उपयोग करके नायरा निकालने का विकल्प है। $10 से कम के बैलेंसेस के लिए एक इजिली एक्सेसिबल लिंक प्रदान किया गया है। नाइजीरियन क्रिप्टो पेमेंट स्टार्टअप के इसी तरह के कदम के बाद बंडल की क्रिप्टो एक्सचेंज आर्म लेजर पे के अप्रैल में बंद होने और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सेल के बाद बंद हुई। मार्केट शेयर में गिरावट के बीच क्रिप्टो एक्सचेंजेस को सर्विसेज में सुधार करने के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। क्रिप्टो कट्टरपंथियों ने FTX के कोलैप्स के बाद यूनिस्वॉप और DYDX जैसे पीयर टू पीयर ट्रेडिंग वेन्यूज के लिए एक सुनहरे समय को प्रिडिक्ट किया, जिसने सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स में विश्वास को कम कर दिया। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ने जून 2022 में मंथली स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम में 76% की गिरावट के साथ $21 बिलियन का अनुभव किया, जो सेंट्रलाइज राइवल्स के 69% की गिरावट के साथ $429 बिलियन तक पहुँच गया। पीयर टू पीयर डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म का मार्केट शेयर 2023 के 7% के पीक से गिरकर 5% हो गया। डिजाइन और प्लेटफॉर्म की एज में सुधार के बावजूद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग करना मुश्किल या असंभव लगता है। PwC सर्वे में पाया गया कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को उनके अनरेगुलेटेड नेचर के कारण कंप्लायंस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कॉइनशेयर इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रोडक्ट हेड टाउनसेंड लैंसिंग ने इस प्रोटोकॉल में बाधा डालने के लिए रेगुलेटरी ओवरहैंग को जिम्मेदार ठहराया। वॉल्यूम में संघर्ष के बावजूद 2020 से मंथली एक्टिव यूजर्स में वृद्धि हुई है, जो इस साल के अधिकांश समय में 1 मिलियन तक पहुंच गई है। ये FTX के दिवालियापन और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म्स के FTX के बारे में चिंताओं को रिफ्लेक्ट कर सकता है। बाइनेंस फ्रांस, जिसकी स्थापना 8 नवंबर 2021 को हुई थी, ने शुक्रवार को फिस्कल ईयर 2022 के लिए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किया। लीडिंग ऑडिटिंग फर्म RSM पेरिस ने बाइनेंस प्लेटफॉर्म और ऑडिट किया और निष्कर्ष निकाला कि एक्सचेंज को फ्रांस में 4 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है। ऐसा एक्सचेंज का रेवेन्यू उसके एक्सपेंसेस से कम होने की वजह से हुआ। बाइनेंस फ्रांस को अपने पहले फाइनेंशियल पीरियड में मुख्य रूप से रेगुलेटरी बाधाओं के कारण घाटा हुआ। इस फैक्ट के बावजूद कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने नवंबर 2021 में फ्रेंच ज्यूरिसडिक्शन में प्रवेश किया, प्लेटफॉर्म ने कानूनी बाधाओं के कारण 2022 के मध्य में सिर्फ ट्रेडिंग और कस्टडी सर्विसेज की पेशकश शुरू की, जिसकी वजह से रेवेन्यू और कॉस्ट मिसमैच हो गए। पब्लिश स्टेटमेंट में नवंबर 2021 में बाइनेंस फ्रांस की शुरुआत से दिसंबर 2022 में साल के अंत तक 14 महीने के एक्सपेंसेस को शामिल किया गया है। दूसरी ओर क्रिप्टो एक्सचेंज ने जुलाई में इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया, जो इनकम शुरू होने के बाद से 6 महीने की टाइम फ्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV। और ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।